हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल सपोर्ट ब्रिंग मिरेकल। किसी इंसान की शोहरत जब हम देखते हैं या उसकी तरक्की को देखते हैं, तो उसके पीछे उसकी मेहनत या उसके पीछे कोई ऐसा रीज़न ज़रूर हुआ करता है जो उसे कहां से कहां ले जाया करता है। आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप थंबनेल में देखा होगा, निरमा वॉशिंग पाउडर के बारे में। तो अब जहन में एक क्वेश्चन अक्सर उठ रहा था कि निरमा के पैकेट पर बनी हुई, चूँकि बचपन से हम लोग देखते आए हैं, वो खूबसूरत लड़की वो कौन है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। रियली इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसके कि कोई हिसाब नहीं है। जैसे उस डिटर्जेंट का नाम तो निरमा है, बचपन से भी इसका एड हम लोग टेलीविज़न पर देखा करते हैं कि निरमा जैसी सफ़ेदी और इस ये डिटर्जेंट पाउडर सा, ये बहुत फेमस अपने आप में, बहुत फेमस मतलब ये था। ये बेसिकली 1969 में गुजरात के एक शख्स थे, एक उनका नाम था करसन भाई, उनकी बेटी जो थी उसका नाम था निरुपमा। निरुपमा उनकी इकलौती प्यारी सी बेटी थी, और जाहिर सी बात है जिस तरह से एक फादर का एक डिज़ायर होता है कि हम इस बेटी को पढ़ा के बहुत जो भी उनका एम्बिशन होगा वहाँ तक हम ले जाएंगे, सारा एम्बिशन उनका था। और इतनी प्यारी लग रही थी, वो लगती भी थी, उसकी वो तस्वीर आप देख, वो निरमा वॉशिंग पाउडर की इस पर जो लगी फ्रॉक पहने हुई है वो उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट होता है और उसमें निरुपमा का डेथ हो जाता है। निरुपमा को वो ये निरमा प्यार से उनके फादर उसको कहा करते थे, और उससे ज़्यादा उसके डेथ ने उनको इतना ज़्यादा सेटबैक दिया, इतना ज़्यादा ये किया कि हम उसको उसको बयान नहीं कर सकते हैं। फादर जबकि गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उन्होंने एक ठाना कि हम इस बेटी को, निरुपमा को, जो जिसका जो दुलार से निरमा कहा करते थे, उसको एस्टैब्लिश एक दुनिया में रहती दुनिया तक एक जो दिल में ख्वाहिश थी कि इसको साबित करेंगे और उसको हम मशहूर कर कर रहेंगे, ये जुनून उनके दिलो दिमाग में वो छाया। 69 उन्होंने निरमा डिटर्जेंट की कंपनी बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस प्रोपोर्शन में चली नहीं जैसा उसका एक्सपेक्टेशन था, चूँकि वो गवर्नमेंट जॉब में भी थे। जॉब से आने के बाद साइकिल से उस अपने डिटर्जेंट के पैकेट्स को शॉप टू शॉप लेकर जाना, डोर टू डोर लेकर जाना और उसकी ये करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त उन्होंने उसका रेट रखा था 3.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, लेकिन वो चला नहीं उस तरह से। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब इंसान के दिलो दिमाग में कोई जुनून, कोई एक मोटिवेशनल चीज़ भरी रहती है, जो सेल्फ ड्राइविंग फोर्स अपनी बेटी, वो प्यारी सी बेटी की सूरत सामने, जिसको उन्होंने वॉशिंग पाउडर के निरमा वॉशिंग पाउडर के इस पर उसको डाला भी है, उसका वही बच्ची है जो फ्रॉक पहने है, वही उनकी प्यारी सी बच्ची की तस्वीर है। तो इन्होंने क्या किया कि एक आइडिया लगाया कि क्यों ना हम एक इस पर एक ऐड बनवाते हैं। टेलीविज़न में उस वक्त क्या था, पार्ले जी का ऐड, इसका ऐड और दो चार सोप का ऐड, मतलब ये हुआ करता था। बेहतरीन सा उन्होंने एक ऐड बनवाया निरमा वॉशिंग पाउडर, जो आज तक उसका ये जिंगल आज तक मशहूर है। उससे पहले मार्केट से सारे के सारे डिटर्जेंट को उन्होंने उठवा लिया। उठवाने के बाद अब ये जो ऐड बना था इनका, निरमा वॉशिंग पाउडर दूध जैसी सफ़ेदी लाए, ये जो चीज़ है अब वो टेलीविज़न पर जब लॉन्च हुआ तो इसकी डिमांड हर जगह बढ़ गई, हर जगह बढ़ गई। अब उसके बाद इनका जो सेल का जो ये था, एक वक्त से ये कर्जे में इतना ज़्यादा डूब गए थे जिसका कोई हिसाब नहीं था, लेकिन उनके उन एक इनिशिएटिव, एक आइडियाज़ ने, एक इनोवेटिव आइडियाज़ ने उसको कहाँ से कहाँ ये कर दिया। सोचिए, उस जमाना से लेकर आज तक निरमा वॉशिंग पाउडर एक अपना लोहा मनवाए हुआ है। कहा जाता है ना कि किसी एक आदमी की
एक आदमी की ड्राइविंग फोर्स उनकी बेटी की डेथ, निरुपमा की डेथ, जिसको प्यार से निर्मा कहते थे, उन्होंने चाहा कि हम एस्टेब्लिश करेंगे और एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये इंसान की चाहने के ऊपर है। अगर हम पागलपना की तरह से किसी भी चीज़ को चाह लें तो किसी भी चीज़ को किसी न किसी फॉर्म में हम हासिल ज़रूर कर लेते हैं, ज़रूर उस मकसद तक। शर्त है कि मकसद नेक होना चाहिए, इंटेंशन नेक होना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। आज एक छोटी सी कहानी जो निरमा वाशिंग पाउडर के से है, होप के आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, एज वेल एज मोटिवेशन लगी होगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।